अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद खाकान अब्बासी। मुल्क में इंतखाबात का अमल शफाफ बनाने के लिए हुकूमत बार बार इंतखाबी इस्लाहात की बात करती रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पैकेज का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 के जरिए 49 इस्लाहात तजवीज़ की थी जिनकी मंजूरी के लिए अब अपोजिशन को दावत दी जा रही है। उनमें सबसे अहम तजवीज़ यह है कि इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाए। तहम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिल अमल करार दे चुका है। उन्होंने कहा कि नून लीग ने 2018 में PTI समेत तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी इस्लाहात की थी। हमारे दौर में होने वाली इंतखाबी इस्लाहात पर किसी को एतराज़ नहीं था, सबके इत्तफाक़ राय का मजहर और दस्तखतशुदा इंतखाबी इस्लाहात की वो तारीखी दस्तावेज़ आज भी मौजूद है। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग की क़यादत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखा भी नहीं और कहा कि हम उसको नहीं मानेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, अहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने EVM मशीन्स को देखा भी नहीं। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। भाई, आप उसको देखें, उसको परखें, बल्कि अपनी एक टेक्निकल टीम क्रिएट करें जो कि इन साइंटिस्ट के साथ, माहिरीन के साथ बैठे। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि वो कैसे काम करेगी। ये जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसने हमने ये मशीन तैयार की है इलेक्ट्रिक वोटिंग के लिए। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो ये है जिसके ऊपर सारे इंतखाबी निशान जो है वो आते हैं, और दूसरा ये हिस्सा जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। जब एक दफ़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वोटर अंदर चला जाता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर फिर इस मशीन को अलाउ कर देता है, आप किसी भी निशान के ऊपर आप जो है वो क्लिक कर सकते हैं। ज़रा ऑन करिए। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑन कर दी। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर अपना जो है वो मोहर लगा रहा हूँ। बैट के ऊपर मोहर लगा के ये मैं ओके कर दूँगा और ये मेरी वोट जो है इलेक्ट्रिक वोट भी कास्ट हो गई है और उसके साथ ही ये हमारा इस तरफ जो है वो पेपर बैलेट भी जो है वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा, यानी इसकी इलेक्ट्रिक भी होगा और पेपर बैलेट के ऊपर भी होगा। ये मशीन जो है अब हम इसके साथ नादरा के साथ, नस्ट के साथ, कॉम्सट्स के साथ जो है ये हम शेयर करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल आखिरी मराहल में है इसकी। ये बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी जो वोटिंग है उसको हम इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर लेके जाएं ताकि इसमें जो हमने देखा डस्का में जो कुछ हुआ, बाकी जगहों पे जो कुछ हुआ, ये ना हो और एक इलेक्शन अमन से भी हो सके और धांधली का जो खतरा है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बहुत इम्फेसिस है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत इसके ऊपर जो है फोकस है और उसके लिए ही हम ये एफर्ट जो है अब कर रहे हैं। दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टोदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को कोई संजीदा नहीं लेता। जितनी भी इस्लाहात हम करें इंतखाबात मुतनाज़ ही रहेंगे। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता और ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है कि वो ही धांधली करने वाले के साथ हम बैठ के धांधली को रोके। जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो इंतखाबात में होते हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट को इंतखाबात से दूर रख सकते हैं, उनको इम्पार्शल एपॉलिटिकल एटीट्यूड रह सकता है, तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी फ़ायदा होगा और इलेक्शंस में धांधली भी कम होगा। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ट्रिब्यून में साकिब बिर की खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निज़ाम से मुतालिक हुकूमत को तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की इस्तेदाद पर सवालात उठा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग का मुतालबा करते हुए सवाल उठाया कि इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग RTS की तरह काम करना छोड़ गई तो मुतबादिल क्या होगा। टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बाइस मशीनों के एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा इस्तेमाल में भी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग लागत और इस्तेमाल के बाद स्टोरेज और मरम्मत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनें कौन बनाएगा और वो हैकिंग से कितनी महफूज होंगी। इलेक्शन कमीशन के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, फिनलैंड और दीगर ममालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाकाम तजर्बे के बाइस दोबारा बैलेट पेपर्स पर आ गए हैं और माजी में लाहौर के एक हल्के के ज़िमनी इंतखाब के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का तजर्बा कामयाब नहीं रहा था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा भी हुकूमत ने अहम तरामीम तजवीज़ की हैं। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ आज ज़रूर सामने आया है, मगर अहम बात यह है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए ही इंतख़ाबात होते हैं और वहाँ पर जो इलेक्ट्रल फ्रॉड है उसके वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अवाम का एतमाद बढ़ा है। अमेरिका में भी जो वोटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होती है, वहाँ पर भी एतमाद लोगों का नज़र आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अलावा जो हुकूमत ने तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा माली खुदमुख्तारी दी जाए, आबादी के बजाय बराबर वोटों की तादाद पर हदबंदियाँ की जाएँ। हदबंदी पर तहफ़ुज़ात की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इंतखाबी फहरिस्त में शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक की जाए, पोलिंग स्टाफ का चुनाव हल्के से बाहर से किया जाए, कागजात नामजदगी की फ़ीस में इजाफा किया जाए। यह भी तजवीज़ किया गया है कि अगर मुंतखब उम्मीदवार पहले इजलास के 60 दिन के अंदर हल्फ नहीं उठाता तो उसकी नशस्त खाली कर दी जाए। एक पोलिंग स्टेशन पर एक के बजाय 5 पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। सियासी जमात का इंदराज 2000 के बजाय 10,000 अरकान की बुनियाद पर किया जाए, जिनमें 20% खवातीन हों, और सियासी जमातों का सालाना कन्वेंशन मुनक़िद किया जाए। मुजवज़ा तरामीम में ये तजवीज़ भी शामिल है कि सेनेट इलेक्शन की पोलिंग ओपन बैलेट के जरिए की जाए। इस सारे मामले पर बात करेंगे नून लीग के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल से। अहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। अहसन इकबाल साहब, जो फवाद चौधरी साहब बात कह रहे हैं, क्या वही बात दुरुस्त है कि क्योंकि हुकूमत ने रिकमेंड किया है इसलिए अपोजिशन ने वाजे तौर पर कह देना है कि जी नहीं, इस हुकूमत के साथ तो बात ही नहीं करनी है हमने क्योंकि ये संजीदा ही नहीं है? आप फैटफ की मिसाल देते हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ उस वक्त धोखा किया और कह दिया कि ये देखें NRO मांग रहे हैं तो आप ना कीजिएगा नैब के कवानीन की बात या कोई भी बात, मगर कम अज़ कम इलेक्शन इस्लाहात पर तो बात कीजिए। डस्का में आपको एतराज़ हुआ, कराची में भी आपको एतराज़ है, बार बार एतराज़ हो रहा है, तो बैठकर बात तो कीजिए हुकूमत से ताकि इस्लाहात हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं। जी शाहजेब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इलेक्टोरल निज़ाम में इस्लाह की कोई मुखालफत ना कर सकता है, ना कर रहा है। 2018 के इलेक्शन के बाद हमने सबसे पहले हुकूमत से मुतालबा किया था कि एक कमेटी बनाई जाए जो 2018 के इंतखाबात में हमारी शिकायत का जायज़ा ले और अगले आइंदा इंतखाबात को साफ और शफाफ रखने के लिए वो एक लायामल तजवीज़ करे। 3 साल हुकूमत उसके ऊपर सोई रही, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब यकायक इनको इंतखाबी इस्लाहात क्यों कर याद आई हैं, जब ये पै दर पे कभी डस्का में, कभी वज़ीराबाद में, कभी नौशहरा में, कभी बलूचिस्तान में, कभी सिंध में, तमाम पिछले 8 जो बाई इलेक्शन हुए हैं जब हुकूमत को उसमें इबरतनाक शिकस्त हुई है, अब ये तलाश कर रहे हैं चोर दरवाजे के अगले इलेक्शन को, जैसे पिछले इलेक्शन को RTS सिस्टम के जरिए हाईजैक किया गया, कि अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक धांधली का क्या मंसूबा बना सकते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, भारत में आपने मिसाल दी, मैं 2 उस पर भी बातें करूँगा। भारत के अंदर भी इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्ट्रोवर्सी है उन मशीनों की इफादियत पर, और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान तमाम डेमोक्रेसी से इस लिहाज से फ़र्क है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों की मुदाखलत की रवायत मौजूद है और उसका ख़तरा मौजूद है, किसी और मुल्क में इस तरह रियासती इदारे इलेक्टोरल सिस्टम में दखल अंदाजी नहीं करते। लिहाजा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनकी तो सारी सेफ्टी इसके ऊपर है कि वो किसकी कस्टडी में होंगी, वो सरकार की कस्टडी में होंगे, उनके हार्डवेयर के अंदर, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी मुदाखलत कर सकता है। इतने लाख मशीनों की कौन सर्टिफिकेशन करेगा कि ये बिल्कुल ठीक है? अच्छा, इसी तरह जो ये पैकेज है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन जो असल बात इसके अंदर छुपी हुई है जिसके ऊपर हुकूमत चाहती है कि वो बुलडोज करे, वो इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है वोटिंग का। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम लाना चाहते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम कंप्यूटर इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स में तफाक राय है। हाल ही में अमेरिका के अंदर FBI ने, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी की साइबर सिक्योरिटी विंग ने, सब ने इस बात के ऊपर कॉन्क्लूसिव और बहुत डेफिनेटिव राय दी है कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम जो है वल्नरेबल है हैकिंग के लिए और उसके लिए कोई 100% सेफ्टी मौजूद नहीं है। मगर अहसन इकबाल साहब, जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा उसका तो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि वो तो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आप कहें कि वो हैक हो जाएगा। दूसरा देखिए, जो आपके एतराज़ात हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए बिलावल भुट्टोदारी भी एतराज़ात उठा रहे हैं, उन एतराज़ात को की नफ़ी तो नहीं की जा सकती। मगर जब आप सर जोड़ कर बैठेंगे, एक दफ़ा मशीन को देखेंगे, अपने एक्सपर्ट को बताएंगे, आपका एक्सपर्ट देखेगा और बताएगा कि जी इसमें यह खामियां हैं, ये खामियां दूर हों, फिर हुकूमत आपकी बात ना माने तो आप हक बजानी होंगे ये बात कहने में कि देखें जी हुकूमत ये चाह रही है कि हमने ये रिगिंग करनी है सारे के सारे मामले से। बगैर मशीन को देखे, बगैर मुशाहिदा किए, बगैर अपने एक्सपर्ट ले जाए, ये कैसे होगा काम? यानी कि आप चाहते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी सवाबदीद पर ही इलेक्शन का मामला छोड़ा जाए, जैसा कि हमने देखा डस्का में या फिर जैसा कि देखा गया कराची में। देखिए, बात यह है कि फवाद चौधरी साहब इस बारे में तो कोई राय दे सकते हैं कि मुलजम की जमानत कैसे लेनी है या अदालत से स्टे ऑर्डर कैसे लेना है, वो एक वकील है पेशे के लिहाज से। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटी को भी समझता हूँ और मैं टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन को भी समझता हूँ। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की एक बुनियादी चीज़ है, कानून होता है, उसे कहते हैं गाइगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप उसके सॉफ्टवेयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, आप उसके हार्डवेयर के अंदर कोई चीज़ कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं कि जो मैल फंक्शन कर दे। देखिए, ये कोई इतना मामूली फैसला नहीं है। बात यह है कि आप कितने लाखों मशीनें लेकर आएंगे, उनकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, उनकी स्टोरेज कैसे होगी, उसमें जो मौसमी एक्सट्रीम हमारी कंडीशंस हैं उनके तहत उसकी कौन सेफ्टी करेगा, उसकी ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग कैसे होगी। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई एटम बम या रॉकेट साइंस नहीं है। इसके ऊपर आप अभी गूगल सर्च करें तो आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें, टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मिल जाएगी, MIT की मिल जाएगी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिटरेचर मिल जाएगा। दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट्स ने और दिमागों ने कतईयत के साथ राय दी हुई है। हम कोई यहाँ पर मगर ऐसे इकबाल साहब, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब आप बैठे, क्योंकि ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट है ना कि इंडिया में जब ये इस्तेमाल हुआ है और बाकायदा तौर पर जब हर जगह अप्लाई हुआ है तो इलेक्ट्रल फ्रॉड में सिग्निफिकेंट कमी आई है। जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनको मजबूत बने हैं, वो एक ज़्यादा कंपेरेटिव इलेक्ट्रल प्रोसेस हुआ है। और जब उसकी बाद में ऑडिट भी किया गया तो नज़र आया कि उसमें खामियां नहीं थी। भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, अमेरिका के भी अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आपके कंसर्न उसी वक्त दूर होंगे ना जब आप बैठेंगे नहीं और वैसे ही एतराज़ करेंगे। तो आप इस बात से खुश हैं कि जो कुछ कराची में हुआ, आप कहते हैं जी इदारों की मुदाखलत है, डस्का में नहीं थी, फिर क्या हुआ कराची में? अब मिफ्ता इस्माइल साहब आगे से कह रहे हैं कि जी जो कस्टडी है वो रेंजर्स और पाक आर्मी के पास ही हो, उस रिकॉर्ड की जो कि इलेक्शन का है। आप एतराज़ भी इदारों पर करते हैं और कस्टडी भी उन्हीं की चाहिए मिफ्ता इस्माइल साहब को। देखिए, मैं फिर अब अपनी बात को दोहराऊंगा। बात यह है कि हमारा मसला बड़ा यूनिक है सब मुल्कों से। हमारे यहाँ सवाल इंतजामी ढांचे का है, रियासत का है, इंतजामी मशीनरी का है। हमारे यहाँ जो इंतखाबी शिकायत होती हैं उसमें जो पोलिंग स्टेशन की सतह के ऊपर स्टैंप होता है, बैलेट या जो वोट डाले जाते हैं, वो तो 5-10% होंगी। हमारे यहाँ धांधली होती है, प्री पोल धांधली होती है। हमारे यहाँ धांधली होती है नताइज मुरतब करने के अंदर, उसके अंदर आप खराबी करते हैं। हमारे यहाँ धांधली होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठा के चले जाते हैं। हमारे अंदर धांधली होती है कि इंतजामी इदारों के लोग हरासा करते हैं उम्मीदवारों को कि वो अपनी वफादारियां बदलें। देखिए, हमारा जो इंतखाबी अमल है, इसके जो कवानीन है, आज अगर रियासत गैर जानिबदार हो जाए तो इन्हीं कवानीन के अंदर आप बेहतरीन साफ सुथरे इंतखाबात करा सकते हैं। इंतखाबी जो हमारी शिकायत है उसके अंदर हमारे इंतजामी ढांचे की मगर पोलिंग डे की भी शिकायत है। देखें, डस्का में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मामला है वो पोलिंग डे का मामला है। कराची में जो मिफ्ता इस्माइल साहब की शिकायत है वो प्री पोल रिगिंग की नहीं है, पोलिंग डे की है। तो दोनों मसले हैं, पाकिस्तान की प्री पोल भी है जिसको भी हल होना है, ये बात आप गलत नहीं कह रहे हैं, मगर पोलिंग डे का भी मसला है पाकिस्तान का, उसको भी तो हल होना है। डस्के में अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती तो किस तरह सूरत हाल तब्दील हो जाती, मुझे बताइए जरा। अगर उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर दें कि हर हलके में, अब ये जो इस्लाहती बिल है हुकूमत का, ये कह रहा है कि जी 5 आपके पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, पार्टीज के हवाले से जो रिफॉर्म कह रहा है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट करे EVM को तो क्यों नहीं चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए ना, फिर आप कैसे, ये डबल एफर्ट के वसाइल हैं आपके पास। आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि जहाँ पर हर पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा आ जाएगा, आपका फिजिकल स्टॉक कुछ और कह रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काउंट कुछ और कह रहा होगा, आप एक नया दरवाजा खोल देंगे जिससे तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है जिन पर हमने सब ने इतफाक राय से हमारी हुकूमत के दौरान भी मंजूरी दी थी, उनमें कोई इतना बड़ा नुक्स नहीं है। नुक्स कहाँ पर है? इंतजामी मुदाखलत का। अगर आज पाकिस्तान की रियासत गैर जानबदार हो जाए, हमारे हसास इंटेलिजेंस के इदारे गैर जानबदार हो जाए, पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन इन्हीं कवानीन के तहत करा सकता है। लेकिन जब तक हमारे इंतजामी इदारे गैर जानबदार नहीं होंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह सुपर कंप्यूटर भी लाके हर तो ऐसा नहीं बात सर, उसके लिए भी आपको हुकूमत को बैठना ही पड़ेगा किसी भी इस्लाहत। देखें, जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे और हुकूमत बिल लेकर आई तो आपने कहा कि जी अब इन्हें नजर आ रहा है, सजरानी के टाइम पर नहीं नजर आया, अब इलेक्शन के बाद हम खुद मुतारिफ कराएंगे। तो अब वो हो गया, तो आपने किसी ना किसी लेवल पर हुकूमत के साथ तो बैठना पड़ेगा ना, अगर आपने इस्लाहत करनी है। उसके बगैर होगा नहीं। तो आप बैठे, आप अपनी तजावीज़ रख दें आगे कि जी ये हमारी तजावीज़ हैं, ईवीएम के ऊपर हमारे ये तहफुजात हैं, मगर बात तो करनी पड़ेगी। जी, अगर हुकूमत संजीदा है तो मैं ये बात पहले कह चुका हूँ, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हुकूमत अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को अरसाल करे। इलेक्शन कमीशन रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी है आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करना। वो तमाम सियासी जमातों को दावत दे, हम सब अपनी तजावीज़ लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो एक इत्तफाक राय से फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के पैकेज पर कंसेंसस होगा, उसके लिए हम असेंबली में आके लेजिस्लेशन कर लेंगे। लेकिन हुकूमत की जो नीयत है उसके ऊपर हमें इससे शुबा है कि हुकूमत ये कह रही है कि हम अगर चाहें ये नहीं ताबून करेंगे तो ऑर्डिनेंस के जरिए भी इसको नाफिज कर सकते हैं। मगर फिर पार्लियामेंट की जितना भी अख्तियार है, हमें नजर आया है बार बार कि पार्लियामेंट फिर सरेंडर करती है। फिर कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको अहकामात आते हैं कि जी जो एक्सटेंशन का मामला है वो पार्लियामेंट इस मामले को करे। पार्लियामेंट ने फिर आपका क्या किरदार रह जाएगा? आप पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की भी बात करते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप सारा इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, पार्लियामेंट में डिबेट करें, हम बताएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है मामले को, इलेक्शन रिफॉर्म्स को। हम इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं दे रहे। देखिए, अगर आपने कोई बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म करनी है तो कोई ये बात कहे कि स्टेट बैंक के जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, तमाम बैंक्स को बुलाए और एक पैकेज बनाकर हमें दे ताकि हम पार्लियामेंट में उसको मंजूर करें, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिसका ये जिम्मेदारी है आइन के तहत तो उसने आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करने हैं, वहाँ पर एक कंसेंसस बिल्डिंग की जाए और उस कंसेंसस पैकेज को हम पार्लियामेंट में लाके सब मंजूरी देंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करना है उसको या इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कराना है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें एक न्यूट्रल जगह चाहिए, चूंकि हुकूमत के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है। बदकिस्मती से हुकूमत ने पार्लियामेंट की हैसियत को खत्म कर दिया है, लिहाजा जो रेगुलेटर है वो सबको बुला के कंसेंसस करवाए और जो कंसेंसस होगा हम पार्लियामेंट के जरिए उसको मंजूर कर देंगे। बहुत शुक्रिया अहसन इकबाल साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी मुस्तरद कर रहे हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वजीर खजाना शौकत तरीन ने वाजे किया है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने का IMF का मुतालबा नाजायज़ है। IMF ने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है, मीशत का पहिया चल नहीं रहा। अगर बिजली की कीमतें और बढ़ाई तो करप्शन और बढ़ेगी। अगर मीशत की तरक्की की शरह 5% पर ना ले गए तो मुल्क का अल्लाह हाफिज। इसलिए IMF को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गर्दिशी कर्जे कम करेंगे, मगर बिजली की कीमतें बढ़ाना समझ से बाहर है। इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इसलिए IMF से बिजली की कीमतों पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। मीशत की बहाली और इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले करना होंगे। नए टैक्स लगाने के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। IMF को कैसे मनाया जाए? हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप IMF को अच्छे से समझते हैं, आपने डील किया है माजी की हुकूमत में कि IMF किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से शराइत लगाता है। उम्मीद लग रही है कि IMF इस थर्ड वेव भी है पाकिस्तान में कि मान जाएगा कि बिजली की कीमतें भी ना बढ़ाएं और जो अगले साल का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है 5,960 अरब रुपए का, उसमें भी कोई नरमी आ जाए और नए टैक्स ना लगाएं। बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, यानी इस वक्त हम जिस मुश्किल से दो चार हैं, सारी दुनिया उससे दो चार है और ख़ुसूसन IMF की MD जो है उन्होंने लीडरशिप दिखाई है और बिल्कुल इब्तदा से उनका रवैया इस सिलसिले में बहुत हमदर्दाना और मददगार रहा है मेंबर कंट्रीज़ के लिए। तो अभी जब हमने इस प्रोग्राम को रिज्यूम किया उस वक्त तक ये नहीं था हमारे सामने कि तीसरी वेव आने वाली है जो इस कदर शिद्दत की हामिल होगी कि पहली जो लहर थी उसको भी मुतजाविज़ कर जाएगी। तो इसके बाद हमने जो है अभी शौकत तरीन साहब नहीं आए थे, हमाद अजहर साहब ने एमडी के साथ एक तवील नशिस्त की और उसमें उनके सामने जो मुश्किलात हैं वो रखी और जैसा कि उन्होंने माजी में किया है इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत हमदर्दी का और साथ देने का वादा किया है। वो समझती हैं कि गरीब लोगों के ऊपर और कमज़ोर तबकात के ऊपर इसके बहुत सख्त असरात पहले भी मुरतब हुए और अब भी होंगे। तो उन्होंने एक उसूली बात पे जो है इत्तफाक किया है, इकदाम जो कीमतों को बढ़ाने और इन्फ्लेशन को और खुसूसन फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाने की वजह बनेंगे, हम उनके मुतालिक दोबारा गौर करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे तमाम इलाके जो इस तरह के मुजमरात के हामिल नहीं होंगे उसमें वो तवक्को रखती हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और हमने पूरा यकीन दिलाया है कि जी हम अगर एक आध जगह आपसे कोई कंसेशन मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके प्रोग्राम को ख़त्म कर रहे हैं या जो माशी डिसिप्लिन आया है उससे हम फरार इख्तियार कर रहे हैं। साहब अगर वो जो आपने इकदाम बताए दो चीज़ें, एक तो 5,960 अरब रुपए का अगले साल का टैक्स टारगेट आपको लगता है उसके लिए वो मान जाएंगे क्योंकि डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा कंसर्न है आईएमएफ के लिए और उसी डेफिसिट के कंसर्न की वजह से जो सर्कुलर डेट है उसमें उसकी कमी के लिए वो कहते हैं कि जी आप रेवेन्यू मेजर्स करें क्योंकि बाकी मेजर्स में पाकिस्तान कमिटमेंट तो करता है मगर उस पर अमल दरामद नहीं करता है। तो बिजली की कीमतों में भी इजाफा ना करने पर वो मान जाएंगे क्योंकि डेफिसिट उनका बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके लिए वो टैक्स बढ़ाने का भी कह रहे हैं और सर्कुलर डेट को कम करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाने का भी कह रहे हैं। अब हमारे सामने सारी सूरत हाल है, हमारे टैक्स मशीनरी की परफॉर्मेंस भी है। अभी अगर ये तीसरी लहर ना आती तो इस महीने के अंदर हम कोई 70-80% का इजाफा देख रहे थे। बिल्कुल आखिरी 3 दिनों के अंदर हमने पिछले महीने से भी कम जो है वसूलियाँ की हैं आखिरी 3 दिनों में और हमारी जो ग्रोथ है वो 57% पे आ गई। तो देखिए अगर ऐसे हालात रहते हैं तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आप इस पहाड़ को जो है हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर हालात अच्छे होते हैं और जिस तरीके से पहले 9 महीनों में और 10 महीनों में मईशत चली है, ये सिलसिला चलता रहता है तो हम बग़ैर नए टैक्स लगाए हुए उस हदफ के करीब आ सकते हैं जो आईएमएफ चाहता है। अब दूसरी बात ये रह गई कि देखें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का मामला, हमने अब तक कोई 40% जो है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दी है और अब मतलब जो है ये ज़रूरी है कि हम देखें कि भाई और क्या इक़दाम हो सकते हैं। आपको मालूम है वो कि ये थोड़ा सा अटका हुआ मामला, हमने IPPs के साथ मामला तय कर लिया और सर्कुलर डेट जो है वो उनका सेटल हो जाएगा और वो कोई 400 अरब रुपए का है। फिर जनाब कोई 500 अरब रुपए का डेट जो है वो इससे मुताल्लिक है जो खुद गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान में है और उसमें बुक एडजस्टमेंट्स होने हैं, वो भी हम कर लेंगे। और फिर मतलब एक मसला हमारे साथ रह जाएगा और वो है जो CPEC के IPPs हैं उसके लिए हम कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ जो है उसको ख्याल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो सर्कुलर डेट के मसाइल हैं इनको तो हम समझते हैं कि जामे तौर पर हम हल कर देंगे आइंदा चंद महीनों के अंदर। मतलब और 5% की ग्रोथ वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा लाजमी है वरना खुदा हाफिज़। आपको लगता है कि अगर IMF इस बात पे मान भी जाए कि जी आप ठीक है थर्ड वेव है आप टैक्स का टारगेट कम कर लें, सर्कुलर डेट में भी अगर पाकिस्तान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें, जो इकदाम आप कह रहे हैं वो भी हो जाएँ, तो जो डेफिसिट है अगर वो 8% के आसपास रहता है तो वकार मसूद साहब वो एक मसला नहीं रहेगा कि जब डेफिसिट ज़्यादा होगा तो फिर हुकूमत और ज़्यादा बोरो कर रही होगी, बोरो करेगी, क्राउडिंग आउट पैदा करेगी। साथ ही हमने देखा है कि मनी सप्लाई में भी इजाफा हुआ है जिसका भी एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा। तो जो सस्टेनेबल बुनियादों पर 5% की ग्रोथ हमें टैक्स रेवेन्यू में परमानेंट इजाफे के बगैर मिल नहीं पाएगी और ये सर्कुलर डेट का मसला हल करने के बाद नहीं मिल पाएगी अगर IMF हमें वन टाइम रिलैक्सेशन दे भी दे थर्ड वेव की वजह से। पहली बात यह है कि कोई टैक्स के अंदर हम लेटअप नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हकीकत पसंदाना टारगेट है उसको रखना चाहिए, जबकि खुसूसन आपके सामने नए चैलेंजेस आ गए हैं तीसरी लहर के लिए। एक बात। दूसरी बात यह कि देखें, मतलब हम जो अब ग्रोथ के फोकस की बात कर रहे हैं और मतलब कुछ इसमें जो है हमारी जो है अमल की कमी रही है। हमने तीनों सूबाई हुकूमतें और वफाक, इन सब ने डेवलपमेंट स्पेंडिंग कम की है और उसकी वजह से भी ग्रोथ जो है हदफ नहीं रहा। तीसरी बात यह कि अभी आपने देखा है कि हमने तो तकरीबन यानी कि इस पहली जो लहर है इसके पस मंज़र में तकरीबन मतलब क्रेडिट के सारे दरवाजे जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए, और खुसूसन वो वाले जो कि बहुत ही कंसेशनल हैं टर्फ से रिलेटेड। तो ये जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसकी मौजूदगी के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं अतराफ में, नए टर्मिनल्स आ रहे हैं, एक नॉर्थ साउथ पाइपलाइन लग रही है, आपके पास मज़ीद LNG जो है आप मंगा रहे हैं ताकि तवानाई का चैलेंज कम हो, नए आपके पास पावर आ रही है ऑनलाइन, तो वो भी जो है आपके लिए आसानी पैदा करेगी। तो अगर आप इस पूरे मजमूए को देखें तो अब तो ग्रोथ ही एक उन्वान होना चाहिए, और उसमें अगर कहीं कोई कमी है और कोई चीज़ बरवक्त नहीं हो रही उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। और शाहजेब, आपके इल्म में है कि देखें, अगर ये मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस साल भी हम, अगर ये 2 महीनों का मैं नहीं कह सकता, अगर ये 2 महीने ऐसे ही होते जो मार्च और अप्रैल का पहला हिस्सा गया है, तो हम यकीनन 4% के करीब आ रहे थे इस साल में। क्योंकि ये जो ग्रोथ है हमारी LSM की, ये तो आपने 12 साल 13 साल 15 साल में भी नहीं देखी। इसी तरीके से आपके पास बिल्कुल तारीखी चावल हुआ है, तारीखी गन्ना हुआ है, और अब बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं गंदम से मुताल्लिक भी। तो आपकी इतनी अच्छी एग्रीकल्चर हो, इतनी अच्छी इंडस्ट्री हो, और सबसे बढ़कर इन तमाम का जो अक्कास है वो तो टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन जिस मकदार में हुई है, जबकि इस साल इस बजट में आपको मालूम है कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया था, बल्कि तकरीबन 16 बिलियन का एक रिलीफ दिया गया था ओवरऑल। बहुत शुक्रिया वकार साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं और गुड लक भी आपको कर रहे हैं कि यहाँ से पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ ही जाए, थर्ड वेव के वो इम्पैक्ट ना आए जिसके खदशात का इज़हार किया जा रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। हक़ाइक़ बताते हैं कि करप्शन बेनकाब करने और सच सामने लाने पर सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना है। उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाती है, उनकी रिपोर्ट्स को हक़ाइक़ से जवाब देने के बजाय उन्हीं पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। कई सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जान से भी चले जाते हैं। जब से आलमी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप जैसे पॉपुलिस्ट लीडर इक़्तिदार में आए हैं, एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जो सहाफ़ी हक़ाइक़ बताए, सच सामने लाए, उस सहाफ़ी की साख पर ही सवाल उठा दिया जाता है। हक़ाइक़ पर मबनी जवाब देने के बजाय उनकी ज़ात पर तनक़ीद करना शुरू कर दी जाती है। उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जाता है। उन्हें मुखालफीन का आला कार करार दिया जाता है। उनके अखबार को, उनके चैनल को यही कहा जाता है। उनकी रिपोर्ट्स को किसी और का एजेंडा करार दिया जाता है, बजाय इसके कि हुकूमत अपनी तस्हीह करे। सहाफ़ी पर ही सवाल उठा दिया जाता है। TV चैनल्स और अखबार की इंतज़ामिया को दबाव का शिकार किया जाता है ताकि वो और उनके सहाफ़ी अपना काम बग़ैर दबाव के ना कर सकें, और ना सिर्फ हुकूमती सेंसरशिप बल्कि सेल्फ सेंसरशिप का भी शिकार हो जाएँ। सबसे पहले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया। उन्होंने मारूफ अमरीकी TV CNN को फेक न्यूज़ करार दे दिया। फिर दीगर मीडिया इदारों के साथ भी ऐसा ही किया। अमरीकी सहाफ़ियों पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। फिर दीगर ममालिक में भी ऐसा ही होने लगा, और ये पॉपुलिस्ट लीडर्स अपने हक़ में फ़ेक न्यूज़ का सहारा लेने लगे और सच्ची खबरों को झूठा और प्रोपेगेंडा करार देने लगे। सहाफ़ियों को डराया धमकाया जाने लगा, उनकी किरदार कुशी की गई और उनकी जान खतरे में डाली गई। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हाल ही में एक वाइट पेपर जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान को सहाफ़ियों को लाहक खतरात के हवाले से 1990 से लेकर 2020 तक के 5 ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के अलावा इराक, मेक्सिको, फ़िलिपाइन और भारत इस फहरिस्त का हिस्सा है। IFJ के मुताबिक पाकिस्तान में 1990 से लेकर 2020 के दरमियान 138 सहाफ़ी कत्ल हुए, जबकि इराक़ में 340, मैक्सिको में 178, फिलिपाइन में 160 और भारत में 116 सहाफ़ी कत्ल हुए। आईएफजे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में इस अरसे के दौरान कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की तादाद एशिया पैसिफिक रीजन में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद का तकरीबन 40% बनती है। इसी तरह सिर्फ 2020 के आदाद शुमार का जायजा लें तो पाकिस्तान में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, जबकि अफगानिस्तान, इराक़, नाइजीरिया और भारत में 3-3 सहाफ़ी कत्ल हुए। यानी पाकिस्तान 2020 में सहाफ़ियों के लिए अफगानिस्तान और इराक़ से भी ज़्यादा गैर महफूज साबित हुआ। इसके अलावा 2020 में पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले, तशद्दुद, अगवा, हिरासानी और धमकियों के वाक़यात के हवाले से भी काफ़ी अहम रहा। ख़ासतौर पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ऐसे वाक़यात का मरकज़ बना रहा। फ्रीडम नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 के दरमियान पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों और कानून की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात में पिछले साल के मुकाबले में 40% इजाफा देखा गया, क्योंकि 2019 में ऐसे वाक़यात की तादाद 91 थी जो इस साल बढ़कर 148 हो गई है। जबकि इससे भी तशवीश की बात यह है कि सहाफ़ियों पर हमलों और कानूनी खिलाफ वर्जियों के 148 में से 51 वाक़यात यानी 34% वाक़यात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रूनमा हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक 148 वाक़यात में 6 कत्ल, 7 इक़दामे कत्ल, 5 अगवा, 25 गिरफ्तारियाँ और 15 वाक़यात सहाफ़ियों पर हमलों के हैं। इसके अलावा 27 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात भी बनाए गए। यानी पाकिस्तान में आज़ादी के साथ सहाफ़त करना मुश्किल होता जा रहा है। मीडिया गैर एलानिया सेंसरशिप का शिकार है। सहाफ़ियों को दबाव का सामना है, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, डराया धमकाया जाता है और जब किसी सहाफ़ी पर हमला होता है तो हुकूमत ऐलान करती है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कटहरे में लाया जाएगा, मगर ना ही मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं और ना ही कोई ख़ास कार्रवाई होती है। हाल ही में सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम पर इस्लामाबाद में कातलाना हमला हुआ, मगर हुकूमत यकीन दिहाने के बावजूद अब तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसके अलावा हाल ही में पेश आने वाले किसी भी वाक़े की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकी और हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा सके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता बरस हम मुसलसल हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे कि LNG की कीमतें तारीख़ की कम तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान को अपनी सर्दियों की डिमांड पता है, जल्दी ऑर्डर कर लें, मुल्क के पैसे बच जाएंगे। मगर मुआवने खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर और वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब इनकार करते रहे। यहाँ तक कहा गया कि LNG कोई गाजर मूली नहीं है कि जाकर ख़रीद लें, सर्दियों के लिए गर्मियों में नहीं बुक कर सकते। और फिर इतनी देर की गई कि पाकिस्तान को तारीख़ के महंगे तरीन रेट पर LNG ख़रीदना पड़ी। सिर्फ इन सर्दियों में 50 अरब रुपए से ज़्यादा का मुल्क का नुकसान कर दिया गया और इस नुकसान के बावजूद भी देर करने की वजह से पूरी तरह LNG नहीं मिल सकी। इंडस्ट्री को बंदिश का सामना करना पड़ा, आवाम को गैस की शदीद कमी का सामना करना पड़ा, सब ने एहतजाज किया, मगर हुकूमत गलती मानने को तैयार न थी, उल्टा हम पर तनकीद शुरू कर दी गई। मगर अब 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ गुज़िश्ता सर्दियों में करने के बाद हुकूमत खुद अपनी गलतियों की तस्हीह कर रही है। गुज़िश्ता बरस जुलाई, अगस्त और सितंबर में नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए LNG खरीदने से इनकार करते रहे। मगर आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक माजी के तजर्बात के बरक्स एक खुशगवार तब्दीली आई है और पाकिस्तान ने अभी से कतर को इस साल नवंबर और दिसंबर के लिए दूसरे 10 साला मुआहदे के तहत 10.2% पर 4 कार्गोज फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है। यानी 2 इजाफी कार्गोज नवंबर के लिए और 2 इजाफी कार्गोज दिसंबर के लिए। 8 माह पहले ही हुकूमत ने कतर को इसके बारे में आगाह कर दिया है। इसी तरह दुनिया भर में ऐसे ही इंतजाम किए जा रहे हैं। चीन ने जून 2021 से फरवरी 2022 की डिलीवरी के लिए 40 से ज़्यादा कार्गो पहले ही बुक कर लिए हैं। दीगर ममालिक भी ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह ममालिक अपनी डिमांड को देखते हुए ज़्यादातर पहले ऑर्डर कर रहे हैं और कुछ हिस्सा आखिर में भी ऑर्डर करते हैं। मगर पाकिस्तान ने अपनी स्पॉट कार्गोज़ की पूरी डिमांड आखिरी वक्त तक मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दी थी। और गुज़िश्ता बरस अगर किसी मुल्क को अपनी सर्दियों की डिमांड और सप्लाई का पता था तो वो पाकिस्तान था। हम बार बार प्रोग्राम में इस तरफ इशारा करते रहे, खुद नदीम बाबर कहते रहे कि सर्दियों में पाकिस्तान की डिमांड 2 से 3 गुना हो जाती है, मगर इंतहाई कम कीमतों पर नहीं खरीदी। फिर मुल्क का 50 अरब रुपये से ज़्यादा का नुकसान किया सिर्फ गुज़िश्ता बरस की सर्दियों में और 122 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान 2 साल में कर दिया गया। और इनकार किया गया कि 4 से 5 माह पहले LNG नहीं खरीद सकते थे, मगर अब 8 माह पहले पाकिस्तान भी कतर से खरीद रहा है और दुनिया के दीगर ममालिक भी अपने अपने ऑर्डर्स कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।